हेलो गाइस, तो आज 19 तारीख है और मार्केट आज लगभग फ्लैट खुला था। यहाँ पे देखिए, आज मार्केट ओपन हुआ है 40 600 700 के आसपास, 40 700 के आसपास खुला था। और लास्ट डे मार्केट को 16 सितंबर को मार्केट ने एक नीचे की साइड एक बड़ी सी रेड कैंडल बनाई थी। देखिए, यहाँ से मार्केट 41,855 से गिरना शुरू हुआ था। 15 तारीख को इसने हाई मारा था 41,855 का। उसके बाद मार्केट लगातार नीचे आया 2 दिन। मैं आपको डेली टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ। ये देखिए, एक सेकेंड, ये देखिए, ये यहाँ पे 855 का हाई मारने के बाद मार्केट 2 दिन नीचे आया। उसके बाद यहाँ पे फ्लैट खुलता है। तो आप अगर थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, लास्ट डे जब 16 सितंबर को, तो ये वाला जो 40,870 870 से 60 के बीच में ये एक रेजिस्टेंस था। यहाँ पे मार्केट आया था, फिर यहाँ से वापस लौट गया। देखिए, यहाँ से जब 120 के आसपास से मार्केट यहाँ पे 40,500 तक आया, उसके बाद ऊपर गया था और यहीं पे जाके क्लोज कर दिया। लेकिन जैसे ही अगले दिन फ्लैट खुला मार्केट, फ्लैट खुलने के बाद इसने फर्स्ट 5 मिनट की जो कैंडल थी वो एक ग्रीन बनाई। तो यहाँ पे देखिए, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को अगर ध्यान से देखते हैं तो जो है आप आराम से जो है एक अच्छी मूव पकड़ सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो जैसा कि हमने उसके बाद जो दूसरी कैंडल है, जो यहाँ पे दूसरी कैंडल एक रेड बनाता है और वो एक तरीके की जो है मार्केट वहाँ से नीचे की तरफ आता है। लेकिन जैसे ही यहाँ से वापस जाने को होता है तो ये एक टाइप की इनसाइड कैंडल टाइप की बना दी। यहाँ पे देखिए, ये मार्केट ने जो फर्स्ट 5 मिनट को यहाँ पे क्रॉस ही नहीं किया। उसके बाद जैसे ही मार्केट यहाँ से ऊपर जाने लगा तो हमने 40,800 की जो है कॉल ली थी यहाँ पे, इस पॉइंट पे एग्जैक्टली इस कैंडल के ऊपर हमने जो है अपनी 40,800 की कॉल ली थी। और उसने उसी फ्लो में 40,800 से ये देखिए 300 और लगभग 400 पॉइंट वहाँ से दिए, इंडेक्स के 400 पॉइंट। और हमने जो है एक लॉट बाय किया था। मैं एक बार अपने ऑप्शन उसके अंदर जाके दिखाता हूँ, 40,800 की कॉल। तो ये देखिए, 40,800 की कॉल हमने, 457 का हमारा बाय था, 457 इस पॉइंट पे, 457 ये वाले पॉइंट पे हमने जो है बाय किया था। उसके बाद हमने जो है इसको एग्जिट किया 601 पे, यहाँ पे हमने एग्जिट किया इस वाले रेड कैंडल पे, इस वाले रेड कैंडल पे एग्जिट कर दिया। तो ये यहाँ से पॉइंट बनते हैं लगभग 457 से लगभग 145-50 पॉइंट के आसपास बनते हैं। तो ये इतना पॉइंट मोमेंट हमने कैप्चर की। उसके बाद मार्केट लगभग जो है साइडवेज हो गया और शाम के टाइम वापस से इसने उसी पॉइंट पे आके, ये देखिए, 300 वापस से मार्केट नीचे आ गया। बैंक निफ्टी ये दिखाता हूँ, ये बैंक निफ्टी, वहाँ से इसने 40,185 का हाई मारने के बाद मार्केट वापस से 40,700 के आसपास आ गया और इसने फाइनल क्लोजिंग दी है 41,000 के पास। तो देखिए जो है, अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को अच्छे से फॉलो करते हैं तो, और मार्केट के मूवमेंट को जो है देखते हैं, उसकी रिदम को अगर समझते हैं, तो आप इजीली जो है इसके अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर या कोई भी हो, स्टॉक के अंदर, निफ्टी के अंदर, आप आराम से एक अच्छी खासी मूवमेंट पकड़ सकते हैं। और सुबह के वक्त अगर जो है ये मूवमेंट आपको मिल जाती है तो आप आराम से 80-70 से 100 पॉइंट इसमें जो कि ऑप्शन में आप कैप्चर कर सकते हैं। तो ऐसे ही, और तो ये देखिए, हमने एक लॉट यहाँ पे बाय किया है और हमारा एग्जैक्ट 457 पे बाय था। तो अभी इसमें जो है प्रॉफिट चल रहा है 700-800 के आसपास, और अभी 457 से ये 490-495 के आसपास।
601 पे हमने ट्रेड एग्जिट कर दिया है। उसके बाद हमने एक छोटी सी पुट और ली थी जिसमें 40 900 की पुट में हमें 700 का प्रॉफिट हुआ। तो